हेलो एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल क्लास फ्रॉम खेतेश्वर इंस्टीट्यूट. एंड इन अ प्रीवियस सेशन ऑफ क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर वी हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर 1 दैट इज़ टुमारो बाय जोसेफ कॉन्ड्रैड. एंड नाउ वी आर इन द क्लाइमेक्स सीन ऑफ दिस चैप्टर, द शॉर्ट स्टोरी. Okay, let's start with it without wasting much time and talk about it, and we'll discuss it after finishing this chapter. Okay, page number 18, let's start. And listening with an attentive poise of the head. आप जानते हैं कि क्या हुआ गया था लास्ट पोर्शन के अंदर, हमने क्या किया था. जो बैसी थी, वो जो हैरी हैगबर्ट बन के बंदा जो आया था, लड़का जो आया था, वो वापस जा रहा था. हाँ ठीक है, वो निकल गया और है जो बैसी थी वो उसको देखती रही, और फिर अचानक वो भाग के गेट की तरफ गई और उसने स्टॉप, शी शाउटेड डोंट गो डोंट गो, रुकने के लिए उसको बोला. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है उसके बारे में पढ़ने हैं. एंड लिसनिंग विद एन अटेंटिव पॉइज ऑफ हेड शी कुड नॉट टेल वेदर इट वॉज द बीट ऑफ द स्वेल और हिज फेटफुल ट्रीड दैट सीम टू फॉल क्रूअली अपॉन हर हार्ट. ठीक है, अब वो वहीं पर खड़ी है गेट के ऊपर. ठीक है, वहीं पर गेट के ऊपर खड़ी है और उसने जब उसको रोकने के लिए बोला, अब वो बता नहीं सकती कि वो ये कह नहीं सकती अपने ध्यान से सुनने के बाद, अपने पॉइज हेड के साथ सुन के अटेंटिवली सुनने के बाद भी वो ये नहीं कह सकती कुल वेदर, वो ये नहीं कह सकती कि ये लहर के टकराने की आवाज़ है या उसके दिल जो बुरी तरीके से क्या नाम है टूटा है उस लड़की का. ठीक है, जो चोट लगी है बहुत निर्दय था दिल पर, या उसकी आवाज़ है. ठीक है, क्योंकि वो गेट पे खड़ी है, वो समुद्र किनारे रहते हैं तो वो कह नहीं पा रही इस चीज़ को. प्रेजेंटली एवरी साउंड ग्रू फेंटर एज दो शी वाज स्लोली टर्निंग इनटू स्टोन. अब अभी मौजूदा वर्तमान में उसके लिए क्या हो रहा है, सारी आवाज़ें जो हैं बिल्कुल फेंट होती जाती है, क्षीण मतलब ख़त्म होती जाती है, आवाज़ कम होती जाती है, एकदम धुंधली हुई सी हल्की हल्की आवाज़ होती जाती है, और ऐसा लग रहा है कि वो पत्थर में कन्वर्ट हो रही है खड़ी खड़ी, एकदम बुत बन के खड़ी है बिल्कुल. अ फियर ऑफ दिस ऑफुल साइलेंस केम टू हर वर्स देन द फियर ऑफ डेथ. उसे, उस लड़की को अपनी वहीं पर उस घटती हुई ताकत दिखाई देती है और उसको लगता है कि अब ये क्या हुआ. ठीक है, वो वहीं पर खड़ी है बिल्कुल शांत से, एकदम चुपचाप खड़ी हुई है. उसके लिए जो एकदम शांत माहौल हो गया है वो एक ऐसा डर है जो मृत्यु से भी बुरा है. शी कॉल्ड अपॉन हर एविंग स्ट्रेंथ फॉर हर द फाइनल अपील हैरी. अपनी पूरी ताकत लगा के, अपनी पूरी लड़की ने ताकत लगाई वापस उसने, और घटती हुई शक्ति को उठ खट्टी करके और जोर से एक बार फिर लास्ट में चिल्ला के बोली, हैरी, चिल्ला के हैरी आवाज़ देने की कोशिश की. नॉट इवन द डाइंग एको ऑफ फुटस्टेप, नथिंग, द थंडरिंग ऑफ द सर्फ, द वॉइस ऑफ द रेस्टलेस सी इटसेल्फ सीम स्टॉप्ड. लेकिन अब उसे ना तो वो जाते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है और कोई भी प्रकार की आवाज़ नहीं सुन रही है. ऐसा लग रहा है जैसे कि जो लहरों का गरजना जो था, जो लहरें आके टकरा रही थी, वो जो समुद्र बेचैन था और वो किस तरीके से अपनी लहरों को आगे की तरफ भेज रहा था किनारे तक, समुद्र की आवाज़ भी जैसे कि थम गई हो, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल एकदम शांति छा गई है. देर वॉज नॉट अ साउंड, नो विस्पर ऑफ लाइफ, एज दो शी वर अलोन एंड लॉस्ट इन द स्टोनी कंट्री ऑफ विच शी हैड हर्ड where madman go looking for gold and spun the find. Yes. उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो एक ऐसी जीवन को जी रही है अब बिल्कुल अकेले, जहाँ स्टोनी, सिर्फ पथरीला पूरा का पूरा सिटी है, पूरी कंट्री है, पथरीली शहर है. ठीक है ना, वहाँ वो खो गई है. ठीक है, और अब वहाँ वो खुद अपने आप को एक वैसे, जिन गंबोचिनों के बारे में उसने बताया था व्यक्ति ने कि किस तरीके से वो लोग घूमते हैं सोने की तलाश में, उसको लगता है कि उस तरीके से वो भी वहीं पर खड़ी और लॉस्ट हो गई हो ऐसी कंट्री के अंदर. कैप्टन हैगबर्ट इनसाइड हिज डार्क हाउस हैड कैप्ट ऑन द अलर्ट. कैप्टन हैगबर्ट जो है इनसाइड अपने घर के अंदर अब
अपने अंधेरे मकान के अंदर सावधानी पूर्वक खिड़की खुली थी, ठीक है ना, जिसमें से खिड़की, एक खिड़की खुली थी, उसमें से क्या देखता है, देखो, अ विंडो रैन अप एंड इन द साइलेंस ऑफ स्टोनी कंट्री अ वॉइस स्पोक अबव आवर हेड। अब बिल्कुल जो है उसकी वो जो लड़की है एकदम अकेली शांत स्टोनी कंट्री के अंदर, उसका ऐसा फील हो रहा है, खड़ी है और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। उसी समय एक विंडो जो है वो जो खिलती है उसके सर के ऊपर से, और उस शांत आवाज़ के अंदर उस एक आवाज़ से उसके सर के ऊपर आती है, द वॉइस ऑफ मैडनेस, पागलपन की आवाज़, झूठ की आवाज़, निराशा की आवाज़ जो है उसको सुनाई देती है, द वॉइस ऑफ इन एक्सटिंग्विशेबल होप, ठीक है, एक ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल भी उसके लिए ख़त्म ना होने वाले उम्मीद जो थी, ना बुझने वाली जो आशा होती, उम्मीद जो होती है वो, इज ही गॉन येट दैट इंफॉर्मेशन फेलो, डू यू हियर मम्मी अबाउट माई डियर, अब क्या वह चला गया वो व्यक्ति जो सूचना दे रहा था आपको, मेरी प्यारी बच्ची क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इस तरीके से वो चिल्ला के अंदर से पूछता है। She burst into tears. No, 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 I don't hear him anymore. He sobbed. She sobbed. नहीं नहीं नहीं, वो रो रो के तेज़ी से रोती है, बहुत एकदम टूट पड़ती है रोने में, और रोती रोती कहती है कि नहीं नहीं, अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है मुझे, ठीक है ना, और वो सॉब करने स्टार्ट कर देती है। He began to chuckle up there triumphantly. You are frightened. You frightened him away. Good girl. वो कहती है, वो कहता है कि कूद के उसके पास आता है दौड़ के, ठीक है ना, और आके कहता है, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, तुमने उसे डरा के भगा दिया, तुमने उसे डरा दिया, बहुत प्यारी लड़की, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अब हम इसी प्रकार उस अच्छी प्रकार से रहेंगे, ठीक है, अच्छे से रहेंगे हम लोग, नाउ वी शैल बी ऑल राइट, अब सब कुछ ठीक हो गया है, डोंट बी इम्पेशेंट, बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत हो, बिल्कुल अधीर मत हो ना माई डियर, वन डे मोर, एक दिन और बस। इन द अदर हाउस ओल्ड कार्विल वेलोइंग रिगली इन हीज आर्म चेयर विद अ ग्लो लैम्प बर्निंग बाई हिज साइड ऑन द टेबल येल्ड फॉर हर इन अ फिंडिश वॉइस, बेसी बेसी यू बेसी, और दूसरे घर के अंदर, दूसरे रूम के अंदर, दूसरे घर के अंदर, ठीक है, बूढ़ा कारविल जो है अपनी आराम वाली कुर्सी पे बैठा हुआ, ठीक है, आराम से वहाँ पर, और जैसे कि राजा हो, ठीक है, उस तरीके से उस टेबल के ऊपर जो ग्लोब लैंप लगा हुआ है उसके पास में, और वहाँ पर बहुत ही कठोर आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बैसी बैसी तुम कहाँ हो, बैसी किधर हो तुम, इस तरीके से वो चिल्लाता है। शी हर्ड हिम एट लास्ट एंड एज इफ ओवरकम बाय फेट बिगैन टू टॉटर साइलेंटली बैक टूवर्ड हर स्टफी लिटिल इन्फर्नो ऑफ अ कॉटेज, ठीक है, बैसी ने आखिरकार उसकी आवाज़ सुनी, और जैसे कि उसका भाग्य हो, जैसा कि उसका क्या कहते हैं उसकी डेस्टिनी हो वो, ठीक है, उस तरीके से वो अपने, उसने उस पर विजय प्राप्त कर ली, और धीरे धीरे वापस घुटन की भरी नर्क वाली जो झोंपड़ी है जहाँ पर उसको घुटन होती थी, जहाँ वो घुस नहीं रह पाती थी, उस जगह वापस लौट रही है। It had no lofty portal, no terrific inscriptions of forfeited hopes. She did not understand wherein she had sinned. इसमें कोई शानदार उसका प्रवेश द्वार नहीं था और कोई भी उसको आशा ही नहीं रही, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी अच्छा नहीं था उसके लिए, वो ये समझ ही नहीं पा रही थी उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। उसने ऐसे क्या गलत काम किए हैं अपनी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से इसको ऐसे पिता और ऐसे ये घुटन भरी झोंपड़ी जो है मिली है जिसमें वो एक पल खुशी से नहीं रह सकती। कैप्टन हैगबर्ड हैड ग्रेजुअली वर्कड हिमसेल्फ इनटू अ स्टेट ऑफ नॉइसी हैप्पीनेस ऑफ देयर, और जो कैप्टन हैगबर्ड है वो शोर प्रसन्नता के साथ स्वयं धीरे धीरे अपने काम में वापस लग गया। वह उस नवयुवक को अपना पुत्र ना समझकर उसे भगाने में सफल रहा, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसी खुशी हो रही है। गो इन कीप क्वाइट शी टर्न्ड अपॉन हिम टियरफुली फ्रॉम द डोर स्टेप बिलो, डोर स्टेप के पास से वो जोर से उसकी तरफ
देखती है वापस आंखों में आंसू लिए और उसे कहती है, अंदर चले जाओ चुपचाप और चुपचाप रहो, चिल्लाने की या रोने की आवाज़ नहीं करो। ही रिबेल्ड अगेंस्ट हर अथॉरिटी इन हिज ग्रेट जॉय एट हैविंग गॉट रिड एट लास्ट ऑफ दैट समथिंग रॉन्ग। इट वॉज एज इफ ऑल द होपफुल मैडनेस ऑफ द वर्ल्ड हैड ब्रोकन आउट टू ब्रिंग टेरर अपॉन हर हार्ट विद वॉइस ऑफ दैट ओल्ड मैन शाउटिंग ऑफ हिज ट्रस्ट इन एन एवरलास्टिंग टुमारो। आखिरकार जो गड़बड़ जो गलत चीज़ हुई जो हो वहाँ पर, ठीक है ना, उसे छुटकारा पाने की अत्यधिक उसको खुशी थी। हैगबर्ड ने उसके जो अधिकार थे उसके खिलाफ अपने मानव विद्रोह सा कर दिया, उसको ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जैसे कि जो बेसी है उसके दिल पे किसी ने मतलब बहुत टेरर एक मतलब आतंक मचा दिया हो किसी ने, ठीक है ना। पूरा विश्व जो है पागल सा हो गया है, बाहर आ गया है पागल होकर, ठीक है ना। और कभी ना आने वाले कल का विश्वास जो है उस बूढ़े आदमी की चीख के साथ वैसी दिल में भय छा गया। वैसी के दिल के अंदर एक अजीब सी छाप छा गई, अजीब सा एक खुशी, खुशी नहीं कह सकते उसको, दुख कह सकते हैं, मतलब अजीब सा एक सन्नाटा सा, अजीब सी एक दुखी आत्मा की तरह वो बैठी रही चुपचाप। तो ये था आपका चैप्टर जोसेफ कॉनराड के बारे में। एक बार इसका समरी देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए कि कैप्टन हैगबर्ट जो है एक बूढ़ा आदमी है जो रिटायर्ड है शिप कॉरपोरेशन के वर्क से एज अ सेलर, ठीक है ये था। और उसका बेटा हैरी जो है, ठीक है, उसका एक टेनेंट भी किरायेदार जोसिया कारवेल, उसकी बेटी है इसमें बेसी कारवेल, ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट और करेक्टर्स भी है, ठीक है। जो जोसिया कारवेल है वो ब्लाइंड है, अंधा है, और एक रिटायर्ड एम्प्लॉय भी रहा, वो भी शिप बिल्डिंग कंपनी से ही है। कैप्टन हैगबर्ट जो है वो बहुत ही एक्चुअली में डिसिप्लिनेरियन है, ठीक है, स्ट्रिक्ट वो भी। उसका बेटा जो है बुरी कंपनी के अंदर फंस जाता है, बुरे लोगों के साथ फंस जाता है, और सिंस इज अर्ली एडोलसेंस अपने शुरुआती दौर पे ही। तो अब वो पिता जो है वो काफ़ी ओवर एम्बिशियस है, ठीक है, और कैप्टन जो है वो चाहता था कि उसका बेटा जो है वो जो एडवोकेट्स होते हैं जो वकील होते हैं उनके यहाँ पर काम करे। लेकिन जो बेटा था वो चाहता था फ्रीडम्स, वो आज़ादी चाहता था अपने तरीके से जीने की। अब इसमें जो बेसी है वो एक बहुत ही अच्छी स्पिंस्टर है, जेंटल, ठीक है ना, जो अपने पिता अंधे पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करती है, जो उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। कैप्टन हैगबर्ट अपने बच्चे को अब क्यों वो छोड़ के घर छोड़ के चला गया, वो चाहते थे वो और वो अंदर ही जाता था इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। अब कैप्टन हैगबर्ट जो है अपने बच्चे को हैरी को जो है मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और दोनों की अप्रोच जो है अलग अलग थी दोनों की लिविंग की। अब हैरी जो है उसको छोड़ के चला जाता है अपने कोलचेस्टर को, कोलचेस्टर जो यूके के अंदर घर था उनका, जब वो 14 साल का होता है, ठीक है ना। हैगबर्ट और उसकी पत्नी जो है वो बहुत शॉक में होते हैं काफ़ी समय तक। फिर कैप्टन जो है वो कैसे ही मैनेज करता है उस मिसफॉर्च्यून को, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाता। अब हैगबर्ट जो है मिसिंग की जो रिपोर्ट है पूरे लंदन में पब्लिश करता है जगह जगह पर, और प्राइज़ भी डिक्लेयर करता है कि उसका बेटे को जो टूट के ला के देगा उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। इस तरीके से कॉलचेस्टर में 9 साल जो है वो बीत जाते हैं। अब किसी मिस्चीवियस व्यक्ति ने क्या किया, उसको एक मैसेज भेज दिया कि बच्चा आपका कुल ग्रुप में दिखा, ठीक है ना, और वो वहाँ से उम्मीद लेकर मिस्चीवियस पीपल जो है प्रभु, क्योंकि वो लेटर को उसको मिला कुल ग्रुप का, तो वहाँ से उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची सारी की सारी कॉलचेस्टर की और कुल ग्रुप आके रहने लग गया, वहाँ आके बस गया। फिर उसने क्या किया, अपनी हर मुमकिन कोशिश की अपने बच्चे को फाइंड आउट करने की वहाँ पर, ठीक है, कोशिश करता रहा अपने बच्चे को किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर पाने की। हर तरीके के दुकानदार हर एक व्यक्ति से वो मिला वहाँ पर, ठीक है, और बार बार जो है डिफरेंट कम्युनिटी के लोग है, हर तरीके की फिज़िकल आइडेंटिफिकेशन वगैरह किया अपने बेटे को ढूंढने के लिए, सिर्फ जस्ट टू फाइंड आउट हिज ओन सन हैरी। उसके बाद क्या हुआ, लोग अब जो वहाँ के थे वो उसको हेल्प करने के बजाय क्या करते थे, उसके ऊपर हंसते थे, दे यूज़ टू लाफ एट हिम, वो उस पर हंसने लग गए, ठीक है ना। उसने 2 कॉटेजेस खरीदी उसी शहर में कोलब्रुक के अंदर, और उसने एक में खुद रहने लगा, दूसरे में बेसी और उसके पिता को क्या दे दिया,
किराए पर दे दिया, रेंट पे दे दिया दोनों कॉटेजेस को। और वो बैसी को हमेशा कहता रहता था कि हैरी की शादी जो है बैसी के साथ होगी, हैरी की शादी जो है हैरी विल वेड टू बैसी, हमेशा बैसी के साथ होगी, ऐसा बैसी को वो सांत्वना देता रहता था। अब ऑलरेडी बैसी तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी, बैसी तो खुद बहुत ज़्यादा चिंतित थी हर एक चीज़ से, ठीक है ना। तो एक दिन एक स्ट्रेंजर जो है उनके दरवाज़े पर आता है और वो हैरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, बट कैप्टन डिड नॉट लिसन टू हिम, और कैप्टन उसको सुनता ही नहीं है। अब वो जो अजनबी था वो बैसी के पास जाता है और उसको बता देता है उसकी सारी बातें, ठीक है ना, कि उसने घर क्यों छोड़ा। फिर वो एक इंटीमेसी विद हर, उसके साथ एक एस्टेब्लिश कर देता है इंटीमेसी और कुछ पैसे मांग लेता है। अब इट वॉज एक्चुअली अ हेलुसिनेशन कॉज टू बैसी, ये एक हेलुसिनेशन था बैसी के लिए, एक भ्रम सा था कि उसको वो समझ सकी। अब वो कौन था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। तो ये था आपका चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये ख़त्म किया हमारा चैप्टर जो है, इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स अब आपको पूरे के पूरे करने हैं। अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इट्स ऑन योर चॉइस, अगर आप खुद कर सकते हैं इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, ताकि हम लोग आगे चैप्टर्स को और कंटिन्यू कर सकें। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू मेंटेन दिस थिंग। सो हैव अ गुड डे, अंटिल एंड अनलेस देन विल मीट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।